नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप शिखा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। महाराष्ट्र की सत्ता का हाई वोल्टेज ड्रामा आज भी जारी है। पिछले 24 घंटे में कई और विधायक गुवाहाटी जाकर शिंदे गुट से मिले हैं। इसके साथ साथ कुछ शिवसेना सांसद भी शिंदे के संपर्क में हैं। बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही हैं। इससे पहले कल सीएम उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री आवास छोड़कर मातोश्री अपने घर पहुंच गए थे। ठाकरे ने फिलहाल सीएम पद नहीं छोड़ा है, लेकिन उन्होंने इशारा जरूर दिया है कि बागी अगर सामने आकर बात करते हैं तो वह इसके लिए भी तैयार हैं। बुधवार को उद्धव ठाकरे ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर बागियों को सीधा संदेश दिया। कहा गया कि कोई गद्दारी करने की जगह सीधे आकर उनसे बात करें। उद्धव के बयान के बाद एकनाथ शिंदे ने भी ट्वीट किया। वह बोले कि महाविकास अघाड़ी बेमेल का गठबंधन है जिसे खत्म करना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समरस पंचायतें बनाने के आह्वान का व्यापक असर हुआ है। प्रदेश की कई पंचायतें निर्विरोध निर्वाचन से समरस पंचायतें बनी। अब बुधनी की शाहगंज नगर परिषद प्रदेश की पहली समरस नगर परिषद बन गई है। इस परिषद के सभी 15 वार्डों के पार्षद निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। वहीं सीएम शिवराज और सांसद रमाकांत भार्गव ने सभी निर्विरोध निर्वाचित पार्षदों को बधाई दी और कहा कि समरस नगर परिषद बनने से शाहगंज नगर के नागरिकों की अपेक्षाओं के अनुरूप आदर्श नगर बनेगा। सीएम शिवराज ने कहा कि शाहगंज की जनता सचमुच में अद्भुत है। ऐसा सामंजस्य, समन्वय और समरसता आमतौर पर दुर्लभ होती है, लेकिन ये चमत्कार शाहगंज की जनता ने कर दिखाया है। भाजपा कांग्रेस दोनों ही इस समय अपने बागी नेताओं से परेशान है, जिसके चलते आम लोगों के लिए चुनाव जहां रोचक हो गया है, वहीं कांग्रेस और भाजपा के नेताओं के लिए सरदर्द बन गया है। आज नाम वापसी के अंतिम दिन भाजपा के बागी नेताओं ने अपना नाम वापस नहीं लिया और बाद में एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। नेताओं ने मीडिया से चर्चा की। इस दौरान बीजेपी के नेता प्रीति बिसेन ने अपनी बागी तेवर दिखाई। उन्होंने भाजपा के महापौर प्रत्याशी का विरोध दर्ज किया। महापौर के लिए हमारे तरफ से ठाकुर जितेन शाह जी हैं जो प्रत्याशी हैं हमारे अधिकृत, और लगभग 48 में से 38 प्रत्याशी हमारे स्टैंड है, और सारे वार्ड में हम प्रयास कर रहे हैं कि चुनाव हम जीतेंगे। वहीं मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कार्य में जुटे निर्वाचन कर्मियों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें लगभग 520 प्रशिक्षणार्थी शामिल हैं। मतदान कर्मियों को मतपत्र के माध्यम से मतदाताओं से मतदान कराए जाने और अलग अलग पदों के अनुसार जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, सरपंच व पंच का निर्वाचन होना है, जो सभी के मतपत्र भिन्न भिन्न रंगों के होंगे। बताने के मतदान का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित किया है, और निर्वाचन प्रशिक्षण केंद्र में सहायक नोडल अधिकारी ने बताया कि मतदान दल को विशेष बात का ध्यान रखने वाली बात बताई जा रही है कि मतदान केंद्रों में मतदाताओं से बहुत ही धैर्य से कार्य करेंगे और अपने व्यवहार में भी धैर्य का परिचय देंगे। जो हमारा त्रिस्तरीय पंचायती निर्वाचन है वो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कटनी जिले में प्रशिक्षण का कार्यक्रम संचालित है। जैसा कि आपको विदित है कि ये 3 चरणों में निर्वाचन होना है। पहले चरण में 25 तारीख को बहोरीबंद और ढीमरखेड़ा में जो निर्वाचन होना है, उस विजराहोगढ़ और ढीमरखेड़ा में जो हमारा निर्वाचन होना है, उसके लिए 3 हमारे प्रशिक्षण केंद्र काम कर रहे हैं, तो मतदान दलों को प्रशिक्षित करने का। अब खबर मौसम की, जहां तूफानी एंट्री के बाद मध्य प्रदेश में मानसून की बारिश पर 4 दिन का ब्रेक लग गया है। वहीं चारों दिन शाम के बाद अलग अलग शहरों में बारिश हो सकती है, लेकिन ग्वालियर चंबल में 4 दिन बाद ही बारिश के आसार हैं। 27 जून से इंदौर, भोपाल समेत पूरे प्रदेश में लगातार 4 दिन तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार अभी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी ब्रांच एक्टिव नहीं है, लो प्रेशर एरिया बनना बंद हो गया है और इसी वजह से मानसून की बारिश का दौर थम गया है। 26 जून से उड़ीसा तट से पास बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती घेरा एक्टिव होने के संकेत दे रहा है। अरब सागर से नमी मिलने के कारण गुरुवार को नर्मदापुरम, भोपाल, इंदौर और उज्जैन में कहीं कहीं ही बारिश हुई।
मध्य प्रदेश में लोकायुक्त लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, जहां इंजीनियर बिल पास कराने के नाम पर ठेकेदार से 15,000 रिश्वत मांग रहा था, जिसे लोकायुक्त की टीम ने 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। दरअसल ये घूसखोर इंजीनियर ठेकेदार से उसके काम के पेमेंट कराने के बदले में 15,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। वहीं भोपाल रेंज के लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक मनु व्यास को ठेकेदार गुलाब राय महादेव निवासी अमरावती ने शिकायत की थी कि उसने ग्राम पंचायत वणली में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सोप पिट और नाडिब बनाने काम किया था, जिसका बिल 1,15,000 रुपये हुआ था। इंजीनियर इसी पेमेंट का बिल पास कराने के लिए उससे 15,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था, जिसके बाद लोकायुक्त की टीम ने छानबीन की तो इंजीनियर उन्हें शक हुआ और उन्होंने इंजीनियर को रंगे हाथों पकड़ लिया। ये अमरावती घाट है आपके यहाँ तहसील मुलताई जिला बैतूल में, वहाँ के आवेदक हैं गुलाबराव महादेवराव दुर्गे। इन्होंने 10 तारीख को SP लोकायुक्त महोदय का शिकायत की थी इस बात की, एक्चुअली मनु व्यास साहब के पास में, कि उन्होंने ग्राम पंचायत मंडली में कुछ काम किए थे अपने नाडे बॉस अशोक पिट बनाने के स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, और इसका लगभग उनका 1,15,000 रुपये का बिल पेमेंट होना है, और वो बिल पेमेंट होना था यहाँ जनपद पंचायत कार्यालय से ग्राम प्रभात पट्टन में। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक अनोखी शादी जबरदस्त चर्चा का विषय बन गई है, जहां एक सिविल इंजीनियर दूल्हा घोड़े के बजाय JCB पर बैठकर आया। सिविल इंजीनियर दूल्हे की शादी का ये नायाब तरीका सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल दूल्हा अंकुश जायसवाल पेशे से सिविल इंजीनियर है, वह इन दिनों मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अंकुश की शादी बैतूल में हुई, वहीं अंकुश की विनाई की JCB पर निकाली गई। ये नज़ारा देखकर सभी लोगों ने इसे अपने मोबाइल में कैद किया। दूल्हे का कहना है कि वह पेशे से सिविल इंजीनियर है और उनका हमेशा से यही सपना था कि वह घोड़े की बजाय JCB पर बैठकर अपनी दुल्हन ले जाएं। परिजन शुरू में विरोध कर रहे थे, पर बाद में सभी मान गए, जिससे ये शादी यादगार हो गई। हमने तो इसके लिए जनरली घोड़े की इंतजाम करी थी कि जो बारात निकलती है घोड़े पे निकलती है, मगर इसका कहना था कि मुझे JCP भी निकालना है, अपनी बारात को नया अलग सा करना है, तो ये माना नहीं। फिर घर में चर्चा करी, इसके बाद फिर JCP की व्यवस्था करके उसे डेकोर करके उस पर इसकी बिना की। कैसा लगा? अच्छा लगा, कुछ नया था, यूनिक। मैं एज अ सिविल इंजीनियर हूँ MPUDC में, एज अ टाटा कंसल्टेंसी में, एज अ PMC। मेरा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बुलडोजर से, पोकलैंड से, JCP से कॉन्टेक्ट बना ही रहता है। मैं अपने सिविल में इसका काम लेते ही रहता हूँ अभी भी, और करेंटली में ट्रेंड चल रहा है दूल्हों की नई नई तरीके से एंट्री होना, तो मेरे दिमाग में और इच्छा पहले से थी कि मैं JCP पे एंट्री करूँगा। नरवर में चोरों ने ATM को निशाना बनाया और चोर मशीन के साथ तोड़फोड़ कर भाग निकले, जिससे ATM क्षतिग्रस्त हुआ। इस बात की सूचना नरवर थाना पुलिस को दी गई। वहीं बताया जा रहा है कि पहले भी चोरों ने इस ATM पर चोरी को अंजाम दिया था। मध्य प्रदेश के बड़वानी अस्पताल में बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। नवजात की मौत के बाद सिविल अस्पताल में परिजनों ने जमकर हंगामा किया। वहीं परिजनों का कहना है कि प्रसूता की सोनोग्राफी रिपोर्ट नॉर्मल थी, लेकिन अस्पताल की लापरवाही से डिलीवरी के दौरान नवजात की मौत हो गई। वहीं मामले को लेकर नर्स का कहना था कि माँ के पेट में बच्चे के अंदर गंदा पानी भर जाने की वजह से उसकी मौत हुई है। शाम को 4 बजे मेरी बहू को बताने के लिए आया, डिलीवरी पीरियड में थी वो, प्रेग्नेंट थी, तो यहाँ पर सिस्टर ने देख के बताया कि बोले कि अभी देर है, आप घर ले जाओ। हम घर ले गए, सुबह 4 बजे फिर ले कर आए, इन्हें एडमिट कर ली वहाँ पर बहू को हॉस्पिटल में, और सिस्टर ने डिलीवरी करवाने की कोशिश करी उसको, तो हमारा बच्चा जो था वो शांत हो गया, जबकि हमने 4 सोनोग्राफी करवाई थी। जानकारी ली मैंने तो पायल, जो डिलीवरी केस उसका नाम है पायल, पति उमेश, उम्र 28 वर्ष, इनकी प्रथम प्रसूति थी। हाँ, इस सुबह 5:15 पे एडमिट हुए हैं और इनको डिलीवरी टेबल पे लिया गया है, और 8:15 पे डिलीवरी इनकी हुई। तो 7:40 पे जो स्टाफ ने बताया कि बच्चे की धड़कन ठीक आ रही थी। मंदसौर के शहर सीतामऊ थाना पुलिस ने 10 क्विंटल अवैध डोडा चूरा बरामद किया।
सीतामऊ पुलिस ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थ तस्करी की सूचना मिली थी। आरोपी अर्जुन पाटीदार और महिपाल पाटीदार कब्जे से ट्रैक्टर ट्रॉली से 10 क्विंटल अवैध डोडा चूरा मादक पदार्थ परिवहन किया जा रहा था। वहीं मंदसौर पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने समस्त थाना प्रभारी को अवैध मादक पदार्थ का परिवहन या भंडारण और विक्रय पर रोकथाम करने के लिए व्यक्तियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि राहुल पाटीदार निवासी रावटी और उसका साथी पुष्कर वैरागी ट्रैक्टर ट्राली से अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा सप्लाई करने वाले। सूचना के आधार पर सुरखेड़ा के पास में हमारे द्वारा चेकिंग लगाई गई, विभिन्न पार्टियां लगाई गई। उस आधार पर दो लोगों को हमारे द्वारा ट्रैक्टर ट्राली पर सवार लोगों को गिरफ्तार किया गया और महिपाल पाटीदार एवं अर्जुन पाटीदार उक्त लोग ट्रैक्टर ट्राली से दो लोग राहुल पाटीदार और पुष्कर बैरागी दोनों फरार हो चुके हैं। बट यह है कि ट्रैक्टर ट्राली को चेक करने पर 10 क्विंटल अवैध डोडा चूरा जब्त किया गया जिसकी कीमत लगभग 20 लाख है। राजधानी रायपुर के आजाद चौक क्षेत्र में संचालित एसएम शॉप से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां शॉप के निदेशक स्वप्निल मित्तल ने शहर के व्यापारियों से लोहा टीएमटी सरिया का भारी मात्रा में क्रय किया और उक्त माल को बेचकर अन्य सहयोगी के साथ फरार हो गए, जिसको लेकर थाना आजाद चौक में एसएम शॉप के निदेशकों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। थाना क्षेत्र आजाद चौक में संचालित समता कॉलोनी की एक शॉप है, मेसर्स एसएम शॉप, जिसके निदेशक स्वप्निल मित्तल हैं व अन्य हैं। इनके विरुद्ध रायपुर शहर के व्यापारियों द्वारा एक शिकायत एफआईआर दर्ज कराई गई है कि इनके द्वारा एसएम शॉप के द्वारा जो है बड़ी मात्रा में लगभग करोड़ों की मात्रा में मूल्य का जो लोहा टीएमटी सरिया है इन व्यापारियों से खरीदा गया है और खरीदने के उपरांत जब भुगतान लेने की बात हुई तो स्वप्निल मित्तल और उसके जो सहयोगी हैं उन्होंने भुगतान नहीं किया और ये फरार हो गए हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सड़क दुर्घटना कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक ऐसा ही मामला अभनपुर थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक निजी स्कूल के पास सड़क दुर्घटना हुई जिसमें मोटरसाइकिल और मेटाडोर की टक्कर हो गई। बताने के मेटाडोर चालक की लापरवाही से ये हादसा हुआ जिसमें मोटरसाइकिल में बैठे एक युवक की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच में जुट गई है। थाना क्षेत्र में मोनफोर्ट स्कूल के पास एक्सीडेंट हुआ है, इसमें मोटरसाइकिल और मेटाडोर के बीच में एक्सीडेंट हुआ है। मेटाडोर चालक के द्वारा लापरवाही की ओर चलाकर एक्सीडेंट किया है, जिससे मोटरसाइकिल में बैठे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। इसमें धारा 304 ए और अन्य धाराओं में अभनपुर थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। मंदसौर जिले के अंतिम छोर पर बसे गांधी सागर जलाशय पर्याप्त पानी होने से और महाराणा प्रताप सागर कोटा को पानी की कमी होने पर गांधी सागर जलाशय के 51 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बताने की छोड़े गए पानी में केमिकल युक्त बदबू से राहगीर रहवासी पिछले 3 दिन से परेशान हैं। वहीं नागदा रहवासी भी केमिकल को लेकर पिछले वर्षों से संघर्ष करते आए हैं, जिसको रोकने के लिए किसी भी तरह के उपाय योजना शासन स्तर नहीं देखे गए। अगर हम मना से जा रहे हैं, यहाँ पे गेट खुले हुए हैं तो इसमें से काफ़ी बदबू आ रही है। ये केमिकल वो नागदा फैक्ट्री से कोई केमिकल आते नहीं, ऐसे बदबू मारते। पवई में ग्राम उडवारी के हरिजन बस्ती में लगा ट्रांसफार्मर पिछले 2 महीने से खराब पड़ा है, जिस वजह से इस मोहल्ले के लोगों को रात्रि में अंधेरे में जीवन यापन करना पड़ रहा है। वहीं मोहल्ले वासियों ने इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन सहित संबंधित विभाग को भी की, पर ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया। वहीं ग्रामीणों ने मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन से जल्द ट्रांसफार्मर रखवाए जाने की मांग की है। और ग्राम मुड़वारी हरिजन बस्ती मोहल्ला में कम से कम 2 माह से बिजली ट्रांसफार्मर खराब है और यहाँ पे बिजली की समस्या, बरसाती सीजन है तो इसीलिए कीड़े मकोड़े आते हैं अधिकतर और टंकी वगैरह तो आदमी भोजन बनाने में अंधेरे में रहते हैं। ग्वालियर में पिस्टल रख कर घूम रहे एक बर्खास्त सिपाही को पिछोर थाना पुलिस ने गांव घोघा से पकड़ा है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए जवान ने ये पिस्टल पुलिस के क्वार्टर गार्ड से चोरी की थी। वहीं पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी से पकड़ी गई कार और पिस्टल बरामद कर मामला दर्ज कर लिया है। वहीं एसपी अमित सांघी का कहना है कि बर्खास्त जवान को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
रायपुर राजधानी में अग्निपथ योजना को लेकर मामला बढ़ता ही जा रहा है, जहां इस मामले को लेकर कांग्रेस ने दिल्ली में बैठक की, जिसको लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष श्री चंद सुंदरानी ने कहा कि कांग्रेस भ्रम फैलाकर देश के युवाओं को भड़काना चाहती है, युवाओं के मन में आक्रोश पैदा करना चाहती है। साथ ही कहा कि युवा सीधे सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहते हैं, पर उन्हें भड़काने की कोशिश हो रही है। वहीं पूरे देश में हिंसा फैल रही है, हिंसा का समर्थन नहीं करना चाहिए। अग्निपथ योजना को लेकर देश भर के युवाओं में आक्रोश है। युवा सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस योजना को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में युवाओं के आवाज को सुनने के बजाय युवाओं को डरा रही है, धमका रही है। और सेना जैसे संस्था, सम्मानित संस्था, जिसका देश का प्रत्येक व्यक्ति सम्मान करता है, ऐसी सेना को आगे करके अपनी नाकामियों को छुपाने में लगी हुई है। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर नौपाड़ा में नक्सलियों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि दोपहर करीब 3 बजे सीआरपीएफ की रोड ओपनिंग पार्टी पर नक्सलियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिस कारण जवानों को संभलने का मौका नहीं मिला, जिसमें 3 जवान भी शहीद हो गए हैं। वहीं हमला सीआरपीएफ की 19 बटालियन की आरओपी पार्टी पर किया गया है। हमले में कई जवान घायल भी हुए हैं। छत्तीसगढ़ में पहली बार प्रोफेशनल बॉक्सिंग इवेंट होगी। वहीं रंबल इन द जंगल के साथ रायपुर से ओलंपियन बॉक्सर विजेंद्र सिंह अपनी नई पारी की शुरुआत करेंगे। साथ ही बता दें कि राजधानी रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में अगस्त महीने में आयोजन होंगे। वहीं विजेंद्र सिंह सहित अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर मुक्केबाजों के मुकाबले भी होंगे। बता दें कि इस आयोजन की सहमति के लिए विजेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया है। अंबिकापुर के भाजपा किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिले भर की सोसाइटियों में खाद और बीज की कमी को लेकर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सोसाइटियों में व्यापक पैमाने में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। साथ ही किसानों को जबरन वर्मी कंपोस्ट देने का भी आरोप लगाया। उनका कहना है कि आरोप है जिला प्रशासन के दबाव में सोसाइटियों के अधिकारी किसानों को रासायनिक खाद और बीज नहीं दे रहे हैं, जिससे किसान काफी परेशान है। स्थिति आज ये है कि हम वर्मी कंपोस्ट के अलावा जो रासायनिक खाद किसान इस्तेमाल करता है, जो DAP इस्तेमाल करता है, जो NPK इस्तेमाल करता है, जो यूरिया इस्तेमाल करता है, उसको ख़रीदने के लिए हमारे बैंक में, समिति में हमारे लिमिट में वो पैसे नहीं रह गए हैं और आज किसान वहाँ पर हाहाकार मचा रहा है। नमनाकला सोसाइटी के कुछ सदस्य आए थे हमसे मिलने के लिए। उनकी बेसिकली गोधन न्याय योजना के अंतर्गत जो किसानों को वर्मी या सुपर कंपोस्ट दे रहे हैं, उसके संबंध में कुछ उन्होंने बिंदु यहाँ पर भी बताए हैं कि जिसके संबंध में उनको एक आपत्ति थी, तो उसके संबंध में उनको समझाया गया कि जो भी शासन की मंशा है, जो गोधन न्याय योजना के अंतर्गत हम किसानों को वर्मी या सुपर कंपोस्ट दे रहे हैं, हम तो गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखें। राजधानी रायपुर के धरसीवा थाना क्षेत्र में ठगी का मामला सामने आया है, जहां प्रार्थी का कहना है कि उनके नाम की जमीन को बिना जानकारी के किसी और के नाम से बेचा गया है और किसी दूसरे व्यक्ति के नाम रजिस्ट्री की गई है। प्रार्थी की शिकायत के आधार पर जिसके नाम रजिस्ट्री हुई है और जो गवाह है, उनके विरुद्ध थाना में अपराध दर्ज किया गया है। बता दें कि प्रथम विवेचना और साक्ष्य के आधार पर नियमित कार्यवाही की जाएगी। अपराध पंजीकृत किया गया है, प्रार्थी की शिकायत के आधार पर अपराध पंजीकृत हुआ है। प्रार्थी का कहना है कि उनके नाम की जमीन को उनके बिना जानकारी के किसी फर्जी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को रजिस्ट्री कर दी गई है। इसमें प्रार्थी की शिकायत के आधार पर जिसके नाम में रजिस्ट्री हुई है और जो गवाह है, उनके विरुद्ध में अपराध पंजीकृत किया गया है। धरसीवा थाने में प्रकरण विवेचना में लिया गया है और उसमें साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की जा रही है। दुर्ग के रंजीत हत्याकांड का मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि आरोपी लोकेश पांडे को विशाखापट्टनम से गिरफ्तार किया गया। आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अलग अलग जगह पर छिपने का प्रयास कर रहा था। पुलिस ने लगातार पीछा कर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। वहीं आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त फॉर्च्यूनर कार बरामद की गई है। जानकारी के अनुसार हत्या में शामिल 6 आरोपियों को पकड़कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया था। अंबिकापुर में सरगुजा कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त ने सिटी बस के संचालन को लेकर निजी बस ऑपरेटरों को नोटिस जारी किया है, जहां बसों का संचालन शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही
बसों के संचालन के एवज में प्रति माह दी जाने वाली राशि 2500 रुपए के हिसाब से 23 लाख रुपए जमा कराने के भी निर्देश दिए हैं। राशि जमा नहीं कराने और बसों के संचालन शुरू नहीं कराने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। वहीं प्रशासन के इस निर्देश के बाद बस ऑपरेटरों ने राशि जमा करने और बसों के संचालन के लिए जुलाई तक का समय मांगा है। अभी 33 बसें जो शहर में चलनी चाहिए उसमें से हमारे हर रोज की रिपोर्टिंग के मुताबिक करीब 14 बसें तो चल ही रही है और बाकी जो बसें लगभग 19 बसें जो है उसकी मरम्मत के लिए इन्होंने समय भी मांगा है। हम लोग सोसाइटी में कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में सरगुजा वर्धन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सोसाइटी बनी हुई है उसके उसमें रखने वाले हैं बैठक में। अध्यक्ष महोदय के कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जो बैठक होगी उसमें जो भी निर्णय लिया गया उसके अनुसार उनको आगे की कार्रवाई के लिए प्रेषित। अब बात मुंबई पीडब्ल्यूडी विभाग के घोटालों की है, जहां कुछ भ्रष्ट सरकारी अधिकारी ही सरकार और आम जनता को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर चाहे वो सरकारी विभाग हो या फिर गैर सरकारी, हर विभाग को बड़ी बड़ी जिम्मेदारी से बांध दिया जाता है, लेकिन कुछ सरकारी नुमाइंदे करोड़ों के घोटालों के नीचे इतना दबे हुए हैं कि उनको विकास और जिम्मेदारी का भार उठाना भी मुश्किल पड़ता है। यह साफ शब्दों में कहें तो सरकार के कुछ भ्रष्ट नुमाइंदे ही सरकार और जनता के लिए आस्तीन का सांप बनकर बैठे हैं। अब ऐसे में लाजमी है कि जनता की परेशानी सुनने वाला कोई नहीं है। देखिए रिपोर्ट। पीडब्ल्यूडी विभाग में घोटालों का बोलबाला, महाराष्ट्र के मुंबई में पीडब्ल्यूडी का बड़ा घोटाला, पैसे खिलाने वाले सरदार और ईमानदार कर्जदार, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या डिप्टी इंजीनियर जिम्मेदार, क्या काले कारनामों के जिम्मेदार नांद्रेकर साहब, आखिर कौन है करोड़ों के घोटाले का जिम्मेदार, आखिर कब रुकेगा भ्रष्टाचार। जनता कर रही जांच की मांग, आखिर क्यों सरकारी नियमों को तोड़कर टेंडर दिया गया, बिना काम किए बिल क्यों दिए गए, ठेकेदार और भ्रष्ट अधिकारियों की साठ गांठ, पैसे लेकर टेंडर देने का आरोप। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुंबई में पीडब्ल्यूडी विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चंद्रकांत नाइक और डिप्टी इंजीनियर नांद्रेकर कार्यरत हैं। प्रेसिडेंसी डिवीजन को राज्य सरकार की संपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव के लिए अनुदान देती है और इसी अनुदान से ही ये काम होते हैं। सरकारी पैसे का खूब दुरुपयोग किया जा रहा है, काम न करते हुए भी बिल अदा किए जा रहे हैं और इसी निधि का गबन किए जाने का आरोप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चंद्रकांत नाइक और डिप्टी इंजीनियर नांद्रेकर पर लगाया जा रहा है। बता दें कि 2 साल पहले भी कार्यकारी अभियंता स्वामीदास चौबे द्वारा गड़बड़ी पाई गई थी। आखिर इन सब अवैध कामों को बढ़ावा किसके संरक्षण में दिया जाता है। तो इन घोटालों की आईआईटी मुंबई द्वारा जांच की जाने की मांग की जा रही है तथा आम जनता द्वारा मास्टरमाइंड कहे जाने वाले नांद्रेकर व संबंधित अधिकारियों के फोन रिकॉर्ड्स, संपत्ति तथा बैंक लेनदेन की जांच करने की मांग आम जनता द्वारा की जा रही है। वहीं छोटे ठेकेदारों और आम जनता का कहना है कि जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि इन घोटालेबाजों पर कार्रवाई कब होती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमके न्यूज़। नमस्कार।